एयर्स और आपका हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है टैली मेथोडिस्ट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पेरोल का पार्ट 4 है, ठीक है। तो जहाँ पर हम कवर करने वाले हैं पेरोल इन्फॉर्मेशन, जो हमारा लेक्चर 3 में छूट गया था उसको हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। पेरोल इन्फॉर्मेशन में हमने सैलरी डिटेल बननी थी और आज पेरोल वाउचर की भी बात करनी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते ना हुए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सैलरी डिटेल बनानी है। सैलरी डिटेल बनाने के लिए, ठीक है, आपको बेसिकली आपको जाना है पेरोल इन्फॉर्मेशन में, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर सैलरी डिटेल में जाना है। इससे ऊपर सारे ऑप्शन हमने पहले ही कवर कर चुके हैं, लेक्चर 1, 2 और 3। ये हमारा लेक्चर 4 है, ठीक है। सैलरी डिटेल देखें, यहाँ पर हम किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी को यहाँ पर सेटिंग की जाती है, जहाँ पर हमें बताना होता है कि सैलरी कितनी है, डीए कितना है, टीए कितना है ना, और ईएसआई और पीएफ, इंसेंटिव, ओवरटाइम, वो सारा कुछ हमें यहाँ पे बताना होता है। तो यहाँ पे सैलरी डिटेल में जाइए और यहाँ से आप डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो और एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, डिफाइन जब करोगे आप तो यहाँ पर आपको सिंपली एक एडमिनिस्ट्रेशन जो प्राइमरी के अंदर है, जितने भी ये प्राइमरी के अंदर है, ये R&D और सेल्स एंड मार्केटिंग में, ठीक है, ये जो प्राइमरी है सबसे पहले आपको इनकी सेटिंग करनी पड़ेगी सैलरी डिटेल, ठीक है। उसके बाद इनके अंडर जो ये हैं दीपक झा जो सेल्स डिपार्टमेंट में है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली फिलअप करवाएंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन चॉइस कर लेना है, ठीक है। चॉइस करने के बाद आपको यहाँ से सबसे पहले पूछ रहा है इफेक्टिव फॉर्म। इफेक्टिव फॉर्म का मतलब है कि जो आपको सैलरी पेमेंट की जाएगी, आपने जो ज्वाइनिंग की है वो किस डेट से है। हमने कहा 1 अप्रैल से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पे हेड में वो हेड रखने जो एक एम्प्लॉय को पेमेंट की जाती है और उसकी सैलरी से डिडक्ट किया जाता है और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपको सेट करना है। इसको मिलती है बेसिक सैलरी मिलती है, मंथली सैलरी कितनी मिलती है मान लीजिए इसको मिलती है 16,000, ठीक है। ठीक है, आपको यहाँ पर डिफाइन करना है कन्वेंस पर फ्लैट रेट पर मिलता है, इसको कन्वेंस मिलता है 2,000, ओके, मंथली। और यहाँ पर आपको हाउस रेंट, ओवर टाइम, आपको इस तरीके से आपको सेट कर देना है, ठीक है। ओवर टाइम इसने किया 6 घंटे, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक एक चीज़ सेट कर देनी है इसी तरीके से, ठीक है। ये सारा कुछ सेट कर देना आपको इस तरीके से, जैसे कि देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपको सेट कर देना है, ठीक है। ये होता है सैलरी डिटेल को कैसे सेट किया जाता है, ओके। इसको सिंपली कर दीजिए सेव। अभी एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, कर दिया है। इसको R&D और सेल्स डिपार्टमेंट को भी आपको बिल्कुल ऐसे ही सेट करना है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप। अगर जो आपने एम्प्लॉय ग्रुप बनाया था उसमें से कॉपी करना चाहते हैं या स्टार्ट रेफरेंस, तो आप यहाँ से आप स्टार्ट रेफरेंस में ही लेना, ओके। कॉपी ग्रुप करोगे तो मान लीजिए कॉपी ग्रुप, अगर हम इसको कॉपी ग्रुप करेंगे तो जो हमने वहाँ पे सेटिंग की थी वो सारी सेटिंग यहाँ पे आ जाएगी, ओके। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, देखिए हो गया पूरा कॉपी। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे सैलरी चेंज करनी है। अब सेल्स डिपार्टमेंट का 14,000 मान लीजिए, और जो उसका कन्वेंस मिलता है तो इसको ज़्यादा मिलता होगा, 3500 मान लीजिए, ठीक है। और ये जो ओवर टाइम के 3 घंटे के, बस इस तरीके से आपको कॉपी ग्रुप करते हैं तो ये ऐसा आपको सेटिंग मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर आप स्टार्ट फ्रेश करते हैं तो आपको ये दोबारा सेटिंग करनी पड़ेगी एज इट इज, ठीक है। ऐसे हम सेल्स डिपार्टमेंट में, ठीक है, 1 अप्रैल से, ओके, वही ग्रुप ले लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट या किसी का भी, ओके, और इसकी सेल्स ली वो डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए इसका इसकी सैलरी जो है 18,000 रुपये, नहीं 18,000 की हो, इसके हम मान लेते हैं 14,000, ओके। और इसका कन्वेंस है 1,500 और इसका ओवर टाइम है 4 आवर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सेट कर देना है, आपको सिंपली एक सेट करना है, बाकी सारे सेट हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो हमने उसके डिपार्टमेंट की सेटिंग की है, उनकी डिपार्टमेंट सेटिंग करने के बाद फिर आप एम्प्लॉय की सेटिंग करिएगा। क्या एम्प्लॉय की, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली का ऑप्शन मिलेगा, जैसे हमने लिया इसका मान लीजिए हमारी जो इफेक्टिव है 1 अप्रैल से है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कॉपी फ्रॉम पेरेंट्स वैल्यू लेना है, कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप नहीं लेना है, यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा, कॉपी फ्रॉम पेरेंट्स वैल्यू लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट की जो हमने सेटिंग की थी वो यहाँ पे आ गई है एज इट इज, ठीक है। और इसको सेव कर दीजिएगा, अगर इसमें चेंज करना चाहते हो आप चेंज भी कर सकते हैं, ओके। और उसके बाद मिस्टर सूरजदास, इसका भी ये सेम डेट रखिएगा और कॉपी फ्रॉम
पेरेंट्स वैल्यू लेना है, ठीक है। अगर इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो आप चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए ये एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा है, ये ले 3500, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो लास्ट एम्प्लॉय बचा है इसको भी हम इसी तरीके से सेट कर लेंगे, ओके। और इसकी सैलरी हम थोड़ी बढ़ा देते हैं, और इसका जो ये है कन्वीनियंस इसको कम कर देते हैं, ठीक है। और इसको 8 घंटे कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको सैलरी ड्रिल को सेट कर देना है, ठीक है। ये हमारी सैलरी ड्रिल इस तरीके से सेट की जाती है। अगर डिस्प्ले भी करेंगे तो आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, ओके। उसके बाद आपको इनकम टैक्स ड्रिल में छेड़ना नहीं है, ना वाउचर टाइप को छेड़ना है, आपको सिंपली बाहर निकलना है। अब हम करेंगे क्या कि आप पेमेंट करेंगे सैलरी की, ईएसआई की और पीएफ की, वो कैसे करते हैं, उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, वो आपको अकाउंट पैरल वाउचर्स में मिलेगा। तो आपको पैरल वाउचर में जाना है। पैरल वाउचर में जाने के बाद जो सबसे पहला काम होता है, एक एम्प्लॉय की अटेंडेंस बनाना कि उस एम्प्लॉय ने उस मंथ में कितना प्रेजेंट हुआ और कितना ओवरटाइम किया और कितना अब्सेंट रहा, ओके। तो सबसे पहला काम यही होता है कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं जो दिखता है पैरोल, पहले ऐसे दिखता है। जब आप शुरुआत में खोलोगे यहाँ से पैरोल वाउचर में तो आपको ऐसा मिलेगा। अटेंडेंस सबसे पहले बनाना है। अटेंडेंस बनाने के लिए आप देख सकते हैं, सिंपली आपको कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, ठीक है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अटेंडेंस का ऑप्शन खुल चुका है। अगर हम एक एक एम्प्लॉय की यहाँ से चॉइस करते हैं, ये ले लिया फिर उसे कितना प्रेजेंट आया, तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, क्योंकि एम्प्लॉय ज़्यादा होते हैं एक कंपनी में, तो हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो अटेंडेंस ये ऑटोफिल हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर अटेंडेंस ऑटोफिल ऑल्ट प्लस A प्रेस करिएगा, और वाउचर डेट, ठीक है, इस बात का जो ध्यान रखना किस मंथ तक की एंडिंग करना चाहते हो ये, और आपको यहाँ पे लेना हेड ऑफिस, जो कि मैंने बात की थी कैटेगरी की, आप हेड ऑफिस में रख सकते हैं एम्प्लॉय सारे, ठीक है। और यहाँ पे अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप में आपको, मान लीजिए जो आपके एम्प्लॉय हैं तो सबसे पहले आप उनकी प्रेजेंट लगाओगे कितने प्रेजेंट है, तो यहाँ से आपको प्रेजेंट लेना है, ठीक है। और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू टू फिल, वैल्यू एंटर अबव फिल ऑल द एम्प्लॉय, इसका मतलब है कि जैसे 30 मई में 31 दिन होता है तो आप 31 दिन ले सकते हैं, ठीक है, ऑटोफिल के लिए, ठीक है, ऑटोफिल आ गए 31 दिन, ठीक है ना। अदरवाइज आप 0 भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो दीपक झा और मिस्टर सूरदास और जो विकास है, अब ये महीने में कितने दिन प्रेजेंट हुए हैं तो वो आपको यहाँ बताना। मान लीजिए ये 29 और ये 30 और ये 31, ठीक है। इस तरीके से आपको बीइंग अटेंडेंस, ठीक है, इस तरीके से आपको ये सेटिंग कर देनी है, ओके। मंथ ऑफ मई, ओके, 2018, तो इस तरीके से आपको अटेंडेंस बता देनी है, प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट की वैल्यू सेट की हमने, ठीक है, और हमने सेव कर दिया। और उसके बाद मान लीजिए इन एम्प्लॉय ने ओवरटाइम भी किया हो तो उस केस में क्या कर सकते हैं, फिर वही ऑटोफिल ऑल्ट प्लस ए प्रेस करिए, ठीक है, हेड ऑफिस लेना है यहाँ से ऑल्ट, ठीक है, और यहाँ से आपको ओवरटाइम लेना है, ठीक है, ओवरटाइम यहाँ से वही कर दीजिए 31, मगर नहीं कर सकते 31 क्योंकि ओवरटाइम घंटे में किया जाता है, ठीक है। तो इसने घंटे में काम किया होगा, वो तो हमने वहाँ पे सेट किया था, बट इस मंथ उसने कितना काम किया है, वो तो ऑटोफिल के लिए था, ये यहाँ पर इस मंथ में कितना काम किया है, इसने मान लीजिए 8 घंटे किया है, और इसने 6 घंटे किया है, और इसने 4 घंटे किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नेशन भी दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सेट करना ओवरटाइम। अब पूछोगे अब्सेंट का क्यों नहीं किया, अब भाई जैसे हमने प्रेजेंट का बना लिया, उनके अलावा जितनी भी डेट रह गई है वो अब्सेंट ही तो मानी जाएगी, तो यहाँ पे अब्सेंट की अटेंडेंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी की पेमेंट की, तो सैलरी पेमेंट करने से पहले ड्यू की जाती है, क्योंकि उस मंथ जब हमें पेमेंट करनी होती है तो उसके आखिरी मंथ में कोई भी सैलरी पेमेंट करनी हो, रेंट पे करना हो, कोई भी एक्सपेंस करना हो, तो सबसे पहले उसका काम होता सब उसको ड्यू करना। तो सबसे पहले हम ड्यू करेंगे, आउटस्टैंडिंग करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको पैरोल में दोबारा जाना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस F4 प्रेस करते हुए, कंट्रोल प्लस F4 कर दीजिए, ठीक है। पहुंचने के बाद इसको भी हम ऑटोफिल करेंगे, तो उस केस के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑल्ट प्लस A, किस लिए, पैरोल ऑटोफिल के लिए, ऑल्ट प्लस A प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पे प्रोसेस 4 में लेना है आपको सैलरी, ठीक है, और यहाँ पे बताना है आपको किस मंथ से किस मंथ की सैलरी बतानी है यहाँ पे, ओके। और एम्प्लॉय की कैटेगरी हेड ऑफिस है,
ऑल एम्प्लॉय का बताना हमें और एम्प्लॉय, और यहाँ से बताना है कि आपको सैलरी ड्यू करनी है, पेमेंट करनी है। आपको सबसे पहले आपको ड्यू करनी है, ठीक है, तो सैलरी पेबल लिखेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको वहाँ पर पेरोल इन्फॉर्मेशन पे हेड बनाए थे, सैलरी पेबल पी एफ और ESI, तो आपको वहाँ पेरोल हेड में आपको ये सारे बनाने पड़ेंगे सैलरी पेबल। ओके, यहाँ सैलरी पेबल लिया, और सैलरी पेबल हमेशा क्या होती है, अगर नेक्स्ट मंथ में होती है तो डेट जरूर चेंज कर लिएगा, ठीक है। डेट यहाँ पे डेट 16 कर लेते हैं, ठीक है 16। ये ऑटोफिल इसलिए आया 31 क्योंकि हमने ऑटोफिल में डेट चेंज नहीं की थी। या तो आप डेट चेंज कर लीजिए पहले, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहले डेट चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। ऑल्ट प्लस ए कर लीजिए, ठीक है, 1 जून है ही वहाँ पर। और यहाँ पर आपको लेना है सैलरी डेट 1/5 से 31/5, ठीक है, हेड ऑफिस ऑल। और यहाँ से आपको सिंपल लेना है सैलरी पेबल पेरोल बैक कैश, यहाँ पे सैलरी पेबल क्योंकि हम ड्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी की सारी सैलरी ड्यू हो चुकी है, हमारी जो भी चीज़ होती है वो सारी ऑटो पॉपुलेट हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर किसी भी सेव कर दीजिए, अगर किसी भी एम्प्लॉय को इंसेंटिव मिला तो उसको किस तरीके से दे सकते हैं, है ना। इंसेंटिव भी ऐसे दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर पार्टी को आप PF भी ड्यू करना है और ESI, तो उसके लिए भी आपको ऑटो पॉपुलेट करने के लिए ऑल्ट प्लस ए प्रेस करना है। और यहाँ पर लिखना है आपको क्या, PF कंट्रीब्यूशन 1 मई से 31 मई, हेड ऑफिस ऑल एम्प्लॉय, शॉर्ट में वही रखना है। और यहाँ से आपको PF पेबल रखना है, ठीक है। प्रोसेस में जो रखोगे PF कंट्रीब्यूशन पेरल और नीचे सबसे नीचे भी आपको PF पेबल रखना है, क्योंकि हम इसको ड्यू कर रहे हैं आखिरी मंथ में। ओके, इस तरीके से ड्यू कर दिया। ऐसे ही आपको ESI भी करना है, ऑल्ट प्लस ए करके ESI कंट्रीब्यूशन। ESI बेसिकली बहुत कम होता है, इसलिए बहुत एम्प्लॉय कटता भी नहीं है, क्योंकि 15,000 से ऊपर की सैलरी पे कटता है, अगर नीचे है तो नहीं कटता है सैलरी पेबल। तो यहाँ पे देखिए किसी का नहीं कटा है, ओके कोई दिक्कत नहीं कटा, तो नो वाउचर क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है तो कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो मंथ हो गई कि ड्यू करने की, ये तो सारी ड्यू हो गई। अब इनकी पेमेंट कैसे करें, पेमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। ओके, अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑल्ट प्लस ए पेरोल ऑटोफिल, आपको ऑल्ट प्लस ए प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सैलरी पेमेंट, ठीक है, किस मंथ से किस मंथ तक, और इससे पहले करने से पहले आप डेट जरूर चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, डेट इम्पोर्टेंट है, डेट जरूर चेंज कर लीजिएगा। और उसके बाद ऑल्ट प्लस ए प्रेस कर दीजिए। सैलरी पेमेंट किस डेट से किस डेट तक की आप पेमेंट करना चाहते हैं, वाउचर डेट है 1 जून, ठीक है, हेड ऑफिस ऑल ग्रुप के हम पेमेंट करने हैं पेरोल, ठीक है, पेरोल वाउचर में सैलरी पेपर रखना है क्योंकि उसको हमें डेबिट करना है। और यहाँ से आपको बैंक लेना है, कैश लोगे तो आपको बैंक डिटेल डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फिलअप कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको सैलरी की पेमेंट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं सैलरी पेमेंट, यहाँ पे चेक नंबर दे दीजिए, चेक नंबर होगा इंस्ट्रूमेंट नंबर होता है, यहाँ पे लिख लीजिए पी सैलरी पेड। ओके, ये होगी सैलरी पेड, ठीक है। सैलरी पेड करने के बाद हमें ESI भी पेमेंट करना है और PF भी पेमेंट करना है, उसको भी आपको ऐसे ही पेमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए ऑल्ट प्लस ए प्रेस कर दीजिए, यहाँ से आपको PF चालान लेना है, ओके, 1 मई से 5 मई तक और 31/5 तक, ठीक है। जून में हमारा इसका वाउचर डेट है, हेड ऑफिस ऑल, और यहाँ से आपको PF पेबल लिखना है, यहाँ से बैंक लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारी के सारी डिटेल मिल जाएगी, और यहाँ पे प्रोवाइड डिटेल को आपको यस करना है, ठीक है। जैसे सैलरी पेमेंट की आपको DD की डिटेल दे दी, जो भी आपका जो भी डिटेल मांग रहा है आपको फिलअप कर देनी है, जैसे कि जैसे डिटेल मांग रहा है वो। तो यहाँ से हमारे मांग क्या मांग रहा है, चेक नंबर मांग रहा है, डिपॉजिटर डेट और बैंक, तो वो डाल दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, राहुल सिंह, ठीक है। और बैंक ले लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उस तरीके से आप सारी डिटेल डाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है, और इसको कर दीजिए आप, और उसका पेमेंट की इंस्ट्रूमेंट नंबर चेक के थ्रू, ठीक है, ये आपको सेव कर देना, ये है PF की, ठीक है। अगर आप इसका प्रिंट आउट देखोगे पेज अप करके,
तो ऑल्ट प्लस पी करिए प्रिंट के लिए और प्रीव्यू कर लीजिए। और एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, प्रिंट चलान यस करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 33 सब्सक्राइबर दिए हुए हैं। ये 33 इसका मतलब है कि आपके इम्प्लॉई कितने हैं, हमारे इम्प्लॉय जो 3 हैं, अगर आपके इम्प्लॉय 6 हैं तो आप 6-6 डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसको प्रीव्यू चेक करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीएफ का चलान जो हमने बनाया है वो ऐसे जनरेट होता है, ईएसआई का भी ऐसे जनरेट होता है, अभी दिखाते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद ईएसआई, अब ईएसआई की पेमेंट कैसे करें, ईएसआई की पेमेंट करने के लिए आपको ऑल्ट प्लस ए प्रेस करना है, यहाँ से आपको ईएसआई चलान लेना है, जिस डेट तक की डालना है वो लेना है, और आपको वो डेट डालना है जो वाउचर डेट है, ठीक है। और यहाँ से लेना है ईएसआई पेबल, हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। ईएसआई किसी का बन नहीं रहा तो आपको यहाँ पर ईएसआई के कुछ भी वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से बाहर निकल जाइए। तो इस तरीके से आपको, ठीक है, इस तरीके से आपको सारी की सारी डिटेल भरनी है। और रही बात जो भी इम्प्लॉय के अदर चार्जेस थे, ईडलआई है ना, एडमिन चार्जेस, तो वो कैसे करेंगे, उसको करने के लिए आपको सबसे पहले कहाँ जाना है वो मैं बता देता हूँ आपको, अकाउंटिंग वर्जन, क्योंकि उसका बेनिफिट भी तो इम्प्लॉय को मिलेगा, है ना, जो हमने कंट्रीब्यूट किया है, स्टेटरी अदर चार्जेस में लिए थे, है ना। अगर आपको याद हो तो अकाउंटिंग वर्जन में जाना उसके लिए, और उसके बाद जनरल में जाना है F7 प्रेस करते हुए। और यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल प्लस ओ कर ऑप्शन जो है अदर चार्जेस ऑटोफिल के लिए, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस ओ प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से किस डेट तक, कितने तक, 5 से 31 मई, ठीक है, आपको वो डेट डालनी है। इम्प्लॉय की कैटेगरी हेड ऑफिस है, इम्प्लॉय का ग्रुप आपको ऑल ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीएफ एडमिन चार्जेस हैं, एक्सपेंसेस लेजर में, ठीक है। और यहाँ पे हमने लेजर ऐसे ही बनाया था, बेसिक जैसे लेजर बनते हैं आपको वैसे लेजर बनाना है। और इसकी सेटिंग दिखा दो कंट्रोल प्लस एंटर करके, तो यहाँ आपको देख सकते हैं यहाँ पर सारी सेटिंग देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से सेटिंग करनी है आपको, यहाँ पर सेव करने के बाद पीएफ, ठीक है। और यहाँ पे पीएफ एडमिन चार्जेस 0.85, ये अपने आप आ रहा है क्योंकि हमने हेड पहले से बना रखे थे, ओके। और ईडलआई कंट्रीब्यूशन 0.5, ठीक है, ये हमने पहले हेड्स में बना चुके हैं, तो आप मेरा पहला 3 लेक्चर देख सकते हैं, तीसरा लेक्चर। तो इस तरीके से जो एडमिन चार्जेस और एम्प्लॉयर के अदर चार्जेस थे, ईडलआई कंट्रीब्यूशन एडमिन चार्जेस, वो इस तरीके से आप किसी भी एम्प्लॉय को बेनिफिट दे सकते हैं या दिला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर पेरोल कंप्लीट कर सकते हैं अपनी इस टैली में, ठीक है। आई होप हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ठीक है। सो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, तो कमेंट करिएगा, और लाइक करना और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक, गुड बाय, एक नई वीडियो के साथ, हैव ए नाइस डे।